हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि पीपीएमटी फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ टू यूज पीपीएमटी फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। सो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। बात करें पीपीएमटी की, तो आपने एक्सेल में तो सीखा होगा प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे किया जाए। तो क्रिएट पे चलेंगे और मैंने पहले से बना रखा है, इसमें लोन आईडी है, नेट पीरियड है, लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है, पीरियड्स है और यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट है। तो प्रिंसिपल अमाउंट ही हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेरी डिजाइन में चलते हैं और यहाँ क्वेरी डिजाइन में आने के बाद और ऐड करवा देने के बाद एक एक चीजों को यहाँ पे इंसर्ट करवाते चलेंगे। तो सबसे पहले लोन आईडी, फिर नेट पीरियड, फिर लोन अमाउंट, फिर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, फिर यहाँ पे पीरियड, फिर यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इंसर्ट करवा दी हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे इसको थोड़ा मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ और यहाँ से राइट क्लिक करके इसको जूम व्यू पे लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोलन लगा लीजिए और यहाँ पे पीपीएमटी फॉर्मूला आप यूज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पीपीएमटी लिखा मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय आपको यहाँ पे बनाना है स्मॉल ब्रैकेट। कहाँ कहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है वो भी मैं बताता हूँ। पहले हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे, यानी इंटरेस्ट रेट। तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट लिखा है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिखते हैं, इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट दे दीजिए, इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए ताकि एक महीने का ये कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है आपको इंटरेस्ट रेट को। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट हमने लिख लिया, ये 12 स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रहेगा, कॉमा देंगे। अब यहाँ पे पीरियड्स की बात करेंगे, तो पीरियड में हमेशा आपको 1 लिखना है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे पीरियड लिख चुका हूं, पहले से एक कॉलम मैंने पीरियड्स के लिए भी बनाया हुआ है, यहाँ पीरियड्स मैंने लिख दिया। इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा आप, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पीरियड्स भी लिख दिया मैंने और कॉमा देंगे। अब क्या बचा हुआ है, पीरियड्स तो हम लिख चुके हैं, अब पीरियड्स के बाद आपको लिखना है कि कितने मंथ के लिए आपने ये लोन लिया है। ठीक है, या कितने साल के लिए लोन लिया है। तो यहाँ पे मैं 2 साल लिख देता हूं। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये ईयर में है। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमने यहाँ दिया है नेट पीरियड। आप देख सकते हैं नेट पीरियड लिखा हुआ है यहाँ पे हमने, ये देखिए नेट पीरियड। तो यहां पर आपको नेट पीरियड ही लिखना होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, यहां लिखिए नेट पीरियड। ठीक है, नेट पीरियड लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि हमें एक महीने का चाहिए, दैट्स वाई। ठीक है, अब एक महीने का कैलकुलेट करके और फिर ये 12 महीने का निकाल करके दे देगा आपको। अब यहां पे आपने इतना कर लिया, अब आगे क्या करना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी लोन अमाउंट कितना है वो आपको पता करना होगा। तो यहां लिख देता हूं मैं लोन अमाउंट। ठीक है, अमाउंट क्लोज करने के बाद यहां 0 दे दीजिए, बंद कर दीजिए ब्रैकेट को और यहां से ओके प्रेस करना है आपको। तो ओके प्रेस कर दिया है हमने और अब आपको करना है रन पे क्लिक। तो ये रन पे भी क्लिक कर दिया हमने और ये 5% इंटरेस्ट मैंने पहले से लगाया हुआ था, इसमें पहले से लिखा हुआ था, इसके लिए ये 5% के हिसाब से ये कैलकुलेट करके दे रहा है। अब यहां पे देख सकते हैं ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, अगर बात करें हम नेट पीरियड, अगर किसी का 4 साल हो, ठीक है, लोन आईडी 2 हो और उसने 10,000 का लोन लिया हो, ठीक है, यहां पे तो 1 लाख की बात थी, यहां 10,000 की बात करते हैं, तो यहां 10,000 की बात कर लेते हैं। तो ये 10,000 का लोन है और इस पर इंटरेस्ट रेट है 12% का, तो उसके हिसाब से जो पीरियड 1 ही रखेंगे हम, तो उसके हिसाब से देखिए ₹163 जो है इसका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका है, यानी एक तरह का ऐसा कैलकुलेटर जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करके दे देगा। अब इसको आप क्रिएट पे जाके फॉर्म बना सकते हैं, इसके लिए फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से मोर फॉर्म पे लेकर के और फॉर्म विजार्ड में जाकर के तब इसको सेव करता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ लोन प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेटर लिख। तो ये हमने लिख दिया और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये एंटर प्रेस किया हमने। अब यहां से जो भी चीजें आपको चाहिए वो ले सकते हैं, फिलहाल मुझे सारी चीजें तो मैंने सारी ले ली है। ठीक है, आप टेबुलर फॉर्म में डेटा को रखना चाहें तो टेबुलर भी रख सकते हैं, कॉलमर फॉर्म में रखना चाहें तो कॉलमर भी रख सकते हैं, एज योर विश। ठीक है, जैसा भी आप करना चाहें इसको डिजाइन दे सकते हैं। ठीक है, देखिए तरह तरह के डिजाइन इसमें दिए हुए हैं, आपको जो डिजाइन ठीक लगती हो वो दे दीजिए और यहाँ से फिनिश कर दीजिए। तो ये इस तरीके से
हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। अब इसमें हमको थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी डिजाइन व्यू में जा करके, इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। अब इसमें सेटिंग क्या करनी है, सेटिंग ये करनी है कि ये कभी कभी ये जो है जब अमाउंट बड़ा हो जाता है तो ये ढक जाता है, तो ये दिखाई नहीं पड़ता ठीक से, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से इसको भी हम खींच करके बड़ा कर लेंगे। ये इसको पकड़ा हमने और यहाँ से इसको बड़ा कर लिया ठीक है। अब इसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये पूरा का पूरा अमाउंट अब शो करने लगा है ठीक है। इसमें एक काम और करना है अभी, टेबल बनाने का काम। तो टेबल कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइंस दी हुई हैं, आप इन ग्रिड लाइंस का यूज बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं टेबल्स को बनाने के लिए। तो आप पहले एक काम करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम ठीक है, ये जो है ना पार्ट इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम, कंट्रोल ए से इसे सेलेक्ट किया ठीक है। और टेबल्स हम बनाएंगे तो टेबल्स कहाँ से बनेगा, ये ग्रिड लाइन पे आप क्लिक कर दीजिए और ये बोथ पे क्लिक रखिए ठीक है, और यहाँ से आप इस पे क्लिक करिए तो ये देख पाएंगे कि एक टेबल के फॉर्म में ये आ गया है ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोन आईडी 3 तो अपने आप आ जाएगी। अब यहाँ पे नेट पीरियड की बात कर रहा है, तो अगर मान लीजिए कि अगर एक साल के लिए किसी ने लोन लिया है और आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है ठीक है, लोन अमाउंट आपको पता है ठीक है, सपोज कीजिए लोन अमाउंट है 10 लाख रुपए ठीक है, तो ये हो गया। और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 17%, 17.5% यानी 17.5% इंटरेस्ट रेट जो है लगेगा इस पे। और पीरियड वन से स्टार्ट करते हैं इसको, तो यहां पे देख सकते हैं इसका कैलकुलेशन होके आ रहा है ठीक है। ये माइनस में इसलिए आता है क्योंकि हमें ये देना है, लोन है ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है इसका। तो प्रिंसिपल अमाउंट, उम्मीद है कि पीपीएमटी फॉर्मूला कैसे लगा करके प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं हम, ये आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई भी परेशानी हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।